हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनाली और सोनास कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का मुरम्बा, इसे आप गुलाम्बा भी कह सकते हो। यहाँ पर मैंने सबसे पहले गैस को ऑन कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है। इस पैन को हमें तकरीबन 2 मिनट तक गर्म कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो मैंगो है इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसे हम अब यहाँ पर फ्राई करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो आम का कीस है इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बार अच्छे से फ्राई होने लगे तभी हमें इसमें रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स को डाल देना है। दोस्तों, आपको आम के बहुत ही सारे बेनिफिट्स पता ही होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर मैं 1.5 बाउल गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 बाउल डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं 1/2 बाउल और ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा खट्टा मीठा हो जाए, इसीलिए यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया है। तो दोस्तों, इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करते ही रहना है। देखिए, आप जैसे कि देख रहे हो ये हमारा गुलाम्बा अच्छे से फ्राई होने लगा है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे इलायची यानी कि कार्डेमम। आप यहाँ पर इलायची वैसे ही डाल सकते हो, वरना इसकी पाउडर बनाकर भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच नमक लिया हुआ है। आप नमक आपके स्वादानुसार डाल सकते हो, इसकी मात्रा कम या ज़्यादा ये आप अपने हिसाब से कर लेना। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे मुरम्बा का कलर चेंज हो चुका है। ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी रहता है और इसे आप आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगे हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए, हमारा मुरम्बा खाने के लिए तैयार है।